कचरा मामला है। दबा सर, जोर से बोलिए सर। आज की जो बात है, अपने प्रदेश के तमाम भाइयों को की गहराई से प्रेस कॉन्फ्रेंस वेलकम है। मोबाइल आ रहा है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आगे खड़े हो जरा, आज शीशे लोगे तो चलेगा। तमाम जमातों के उलमा इसलिए जमा हुए हैं कि हम ये बताना चाहते हैं कि ये कौसा मुमरा, ये शहर जो है, ये अपनी पहचान रखता है इस मसले में कि तमाम कम्युनिटी के लोग यहाँ बसते हैं और पीसफुल रहते हैं, अमन के साथ रहते हैं। अगर शहर में कोई इंडिविजुअल बेस पर या किसी शख्स की, किसी नौजवान की, किसी छोटे बड़े की कोई गलती अगर होती है तो उसका ताल्लुक शहर से नहीं होता, किसी जमात से नहीं होता, कुल जमाती नहीं होता। वो अपनी गलती का जिम्मेदार होता है, कानून उसके साथ काम करता है और कानून को काम करना चाहिए। ये हम बताने के लिए कि शहर में अगर कहीं किसी के बयान से कोई गलत मैसेज गया है तो हमारे सारे उलमा, सारी जमातें, ये सारे मजहबी रहनुमा अपने तमाम सेक्ट के नुमाइंदे उसका कंडम करते हैं और उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम आपके माध्यम से, आप प्रेस के माध्यम से ये बात कहना चाहते हैं, इसलिए हमने ये बात यहाँ कहने के लिए आपको दावत दी है। और आप जानते हैं, आप प्रेस के लोग हैं, हर छोटी बड़ी खबरों पर आपकी नज़र है, हर तरह के हालात पर आपकी नज़र है। हमें इस बात का फख्र भी है कि हमारा प्रेस जो है ईमानदाराना रिपोर्टिंग करता है। आप जानते हैं कि मुमरा शहर में कितना अमन है, कभी कोई माहौल यहाँ बिगड़ते हुए अगर कहीं कोई सूरत कहीं पैदा भी होती है, इंसान है, कहीं छोटी मोटी गलती भी होती है तो हमारे शहर के नेता डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब, हमारे उलमा, दूसरी पार्टियों के भी जिम्मेदार लोग, सोशल लोग सब आगे आते हैं और हर छोटी मोटी भी कहीं बेचैनी होती है उसको दबा देते हैं। ये हमारे लिए खुशी की बात है और फख्र की बात है और आप इसे बेहतर ढंग से जानते हैं। हम चाहते हैं कि ये पैगाम आम हो आपके थ्रू कि मुमरा पुरामन है, कल भी था, आज भी है, और अगर किसी की तरफ से कोई गलत बयानी किसी बैकग्राउंड में आई है तो उसकी भी हम मजम्मत करते हैं और अपनी बरात का इजहार करते हैं। हम लोग यहाँ आए हुए हैं, मौलाना ने तो सब बता दिया है। सबसे बड़ी चीज है अजान की, जो लाउड स्पीकर के बारे में है। एक साहब ने ऐलान किया है कि हम कौसा जामा मस्जिद के सामने आकर के लाउड स्पीकर पे हम हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, तो बहरहाल ये उनका मामला है, कानून है, कानून अपना काम करेगा। हम जो है, हम पूरे मुमरा के लोग और पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान और लोग सुप्रीम कोर्ट की जो भी गाइडलाइन है उसका हम एहतराम करते हैं, उसके हिसाब से हम अपना काम करेंगे। जो ओलियम सुप्रीम कोर्ट ने कहा है हम उस पर अमल करेंगे, और हुकूमत जो हमारे साथ इस माहौल के अंदर खड़ी है और एक अच्छा बर्ताव पेश कर रही है, हम हुकूमत की भी बात मानेंगे और हम ये चाहते हैं कि हमारे शहर के अंदर चैन हो, सुकून हो, किसी किस्म की कोई बदमजगी ना हो। हम इसीलिए यहाँ जमा हुए हैं और लोगों को पैगाम देना चाहते हैं कि मुमरा एक अमन और सलामती का गहवारा है। हम इस गहवारे को ख़राब नहीं होने देना चाहते हैं और हम ये चाहते हैं कि सब लोग मिल करके अमन और सलामती बरकरार रखें मुमरा के अंदर भी और पूरे मुल्क के अंदर भी। मुमरा में कितनी मस्जिदें हैं, कितनी लीगल है और कितनी अनलीगल है? मुमरा में मस्जिदें तो बहुत ज़्यादा हैं। लीगल कितना अनलीगल? लीगल और इनलीगल जो भी है, हर एक मस्जिद के लिए परमिशन लिया जाता है और जो हिसाब से परमिशन मिलता है, जो मदरसे के हिसाब से रहती हैं और मदरसे को परमिशन मिलता है उसको लीगल कहते हैं, और जो मदरसे के लिए परमिशन होता है उसको लीगल बोलते हैं। और मस्जिद अगर हम बनाना चाहें तो गवर्नमेंट उसका आर्डर नहीं देती है और हम उसको लीगल मानते भी नहीं हैं। हम जो लीगल है उसमें नमाज़ पढ़ते हैं और अपने घरों में भी नमाज़ पढ़ते हैं और मदरसों में भी नमाज़ पढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पर जो हमारे पत्रकार बंधु और हमारे दोस्त आए हैं, हमारे जो सदर हैं जमीयत के, उन्होंने आप सबका वेलकम किया है
और सही मानों में आज जो मीडिया है वो मीडिया हिंदुस्तान में, जिसे कहा जाता है कि ये हिंदुस्तान में इसको कायम करने के लिए पांचवा खंभा है, आज आपको इसलिए बुलाया गया है इसी गर्व के तहत, इसी मकसद के तहत कि ताकि हम जो है हमारे शहर का जो माहौल है वो माहौल बिगड़ने ना पाए, और इसके लिए जो है हमारे शहर में जो लोग यहाँ पर सोशल एक्टिविटीज़ करते हैं या सियासी तौर पर जो लोग हैं वो लोग जो है बहुत बेहतर ढंग से यहाँ पर काम कर रहे हैं। अब जो लोग बयान दे देते हैं इस किस्म का, तो मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ, कोई अगर मुसलमान शराब पी ले तो इस्लाम में शराब जायज़ हो जाए ऐसा नहीं, ऐसा। और दूसरे क्या हो सकता है कि देखिए कोई सर्जन है, उसने ऑपरेशन किया और पेट में सीजर छोड़ दिया या कहीं वो कैंची छोड़ दी, तो वो उसके पढ़ने की गलती नहीं है, वो उस पर्सनल उस शख्स की गलती है, उस डॉक्टर की गलती है। ऐसे ही कोई आदमी सियासी तौर पर, सामाजिक तौर पर या दीनी या मजहबी तौर पर कोई बयान देता है तो उस बयान में उसका अपना पर्सनल कोई इन्वॉल्वमेंट होगा या कुछ ऐसी गलती होगी, इसमें कोई जमात या मुसलमानों की तरफ से। आपको एक बात ही बतलाना चाहता हूँ खासतौर पर मीडिया के जरिए से कि इस्लाम एक पुरान मजहब है और वो जो मजहब तालीम देता है वो तालीम हम इस कम वक्त में नहीं बता सकते, लेकिन अगर कोई भी मौजू पर आपको एतराज़ है तो आप किसी एक अहम आदमी से जो जमात का जिम्मेदार हो या हो उनसे आप ये सवाल करेंगे तो शायद आपको अच्छा जवाब मिल पाएगा, क्योंकि ये अलग अलग किस्म से लोग जो अपनी सस्ती शोहरत चाहते हैं वो लोग इस किस्म की बातें कर देते हैं, तो ऐसे लोगों का जो है हम लोग यहाँ पर कोई वो नहीं। और दूसरे जो आपने सवाल किया मस्जिदों के ताल्लुक से, हमारी मस्जिदें ज़्यादातर वो लीगलाइज हैं और हमारी जो मस्जिदें नहीं भी हैं वो लोग अभी जो नए कायम हुई हैं उनको भी वो लोग अपने तौर पर गवर्नमेंट से लेने के लिए कोशिश करते हैं। आप ये समझ लीजिए कि हम ऐसा हमारे यहाँ जो अजान के ताल्लुक से मौलाना ने कहा है तो अजान में भी ऐसे ही कि हमारे यहाँ बहुत कम वक्त में अजान, और वो एक ये है कि वो बुलाना है मस्जिद में नमाज के लिए तो उसका एक जो है इंफॉर्मेशन देने के लिए वो अजान है, ना कि उसमें किसी को चढ़ाने के लिए। अब जो लोग ये कहते हैं कि हम मस्जिद में उनको परमिशन मिला है तो हमको भी परमिशन चाहिए, हमने जो है पुलिस चौकी से उसकी परमिशन के लिए मुतालबा किया है, तो एक चीज़ ये है कि वो वहाँ जाकर के वो मुतालबा जो कर रहे हैं वो अगर अपने किसी मजहबी उसके लिए मांगे तो बात अलग की है, लेकिन अगर किसी को ये मस्जिद में आ करके इस किस्म की बात तो उसके सामने छेड़ना या करना ये गलत होता है। तो हम आपसे एक बात की दरख्वास्त करते हैं कि देखिए हमारे यहाँ ऐसी कुछ बातें आई तो डॉक्टर जितेंद्र रावत साहब ने कहा मस्जिद और मदरसे के ताल्लुक से कि अगर किसी को कोई एतराज़ हो या उसके सिलसिले से कोई बात हो तो आकर के हमारे मस्जिदों में या हमारे मदरसों में आकर के वो चेक कर सकते हैं कि वहाँ पर आपको एक बाल बनाने के लिए अगर कोई सीजर मिल जाए वो तो आप उसका एतराज़ करो। हमारे यहाँ तालीम जो दी जाती है वो शांतता की और अच्छे तरीके से। मुंबई में जो राज ठाकरे के कहने के बाद भी जो कुछ मुंबई के मस्जिद उन्होंने जो सुबह का अजान रहता है 5 से 5:30 बजे का वो थोड़ा बंद किया है, तो मुंबई में ऐसा कुछ होगा? नहीं, बिल्कुल। जो हमारे यहाँ देखिए जो कोर्ट का आदेश होगा या कोर्ट की तरह जो वॉल्यूम गाइडलाइन होगी उसके हम पाबंद हैं और हम पाबंदी करेंगे। अगर किसी को कोई एतराज़ भी है तो वो लीगल तौर पर, अगर वो कोई अभी आदमी हिंदुस्तान की कानून को मानता है, इसके संविधान को मानता है, तो उसको चाहिए कि वो कानूनी तौर पर जाए हम उसके खिलाफ, और वो जो कानून फैसला देगी हम उस पर अमल करेंगे। हम लोग खास तौर पे आज के दिन हमारे दरमियान में जितने भी लोग बैठे हैं हर जमात के बड़े उलमा हैं, ये नहीं मतलब हर मकतबे फिक्र के लोग यहाँ पे मौजूद हैं और सब ने मिल करके फैसला किया है। और हम एक बात बताएंगे कि मुमरा जो है हमेशा अमन और शांति का गहवारा रहा है, कभी भी यहाँ पर देखिए बम्बई में फसादात हुए लेकिन मुमरा में हम लोगों ने ऐसा सबूत किया है कि कभी कोई हिंदू मुस्लिम की कोई बात नहीं आई, और जब भी उनका कोई मजहबी काम हुआ तो उसमें हमारे उलमा ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और उसमें बाकायदा वो अमन के लिहाज से रास्ते में खड़े होकर के उनको वो चीज़ उसका दर्ज किया। सर, उसके बारे में आपको क्या कहना है? मनसे की जो राय के बारे में, मनसे का जो आह्वान किया है उसके बारे में? माइक्राम साहब, ये PFI का एक बयान आया था और उसके जवाब में वो अभिनव जाधव जो है मनसे के जिला अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा ये कि मैं आऊंगा और कौसा जामा मस्जिद के सामने जो है हनुमान चालीसा लाउड स्पीकर में बजवाऊंगा। दोनों बयानों को आप किस तरीके से देखते हैं और इन दोनों बयानों के चलते लोगों से आप क्या मतलब कहना चाहेंगे?
और सरकार की जो भूमिका हाल ही में स्पष्ट हुई है, गृह मंत्री दिलीप वल्से पाटिल जी ने सर्वदलीय बैठक ली, उसमें जो चीजें उन्होंने बताई सरकारी आदेश के ऊपर भी बताई, तो इस पूरे मामले को जो है उलमा इकराम अपने माशरे को किस तरीके से जोड़कर देखते हैं, माशरे को क्या कहना चाहेंगे कि इन बातों को कैसा लेना चाहिए, इस पर कैसा रद्द अमल होना चाहिए, कैसा एक्शन पे रिएक्शन होना चाहिए। देखिए एक चीज ये है कि नहीं, उसमें जाधव ने जो बात कही है थाना वाले, उन्होंने ये कहा है कि हम ये पुलिस स्टेशन से परमिशन लेंगे, क्योंकि एक मजहबी इस्लाम को उन्होंने परमिशन दिया है अजान देने का, तो हमको भी देना चाहिए। तो वो तो ये है कि अगर उनके लॉ में आता है पुलिस चौकी के उसमें कि वो उसको परमिशन देंगे तो वो बात दें, लेकिन हम अपने ख़ास तौर अपने मुसलमान भाइयों को, मुमरा के लोगों को इस बात का वो आह्वान करना चाहते हैं, उनको बोलना चाहते हैं कि आप ऐसे लोगों को, जैसे हमारे दरमियान में कोई ऐसा ऐसी बात कहा, और जो आपने कहा भी मथीन के बारे में, मैं नाम भी नहीं लेना चाहता, लेकिन मथीन ने जो बात कही और उसके बाद जाधव ने उसका जवाब दिया है, तो ऐसे लोग सवाल जवाब अपनी सस्ती शोहरत के लिए करते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूँ मीडिया के जरिए से कि ये सब सस्ती शोहरत की बात है, हम सब आपस में मिल करके रहें, हम हिंदू भाइयों से, मुसलमान भाइयों से, सबसे कहेंगे कि जैसे ये हमारा हमेशा शेर व शकर की तरह हम लोग रहे, ऐसे ही हम रहेंगे, हमें इसको लेकर के हम कोई मुद्दा नहीं बना करके, और लोगों के बीच में ये कहेंगे कि मुद्दा मत बनाएं। सर हनुमान चालीसा को पूर्वजों के राज से आया हुआ है, आज हनुमान चालीसा को बाहर निकाल रहे पढ़ने के, इसके बारे में क्या कहना है? हम लोग उसके जिम्मेदार नहीं, उसका जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है, प्रशासन की है, अदलिया की, ठीक है, उसका जवाब हमसे ना ले, उसके जवाब की हम जिम्मेदार नहीं, हम सिर्फ यहाँ पर इसलिए बैठे हैं, इसलिए यहाँ पर जुड़े हुए सारे मिकमे फिक्र के लोग कि ये हम आवाम को पैगाम देना चाहते हैं, सारी आवाम को, खासकर मुमरा कौसा की, थाना की, महाराष्ट्र की, और हुकूमत भी हमारे साथ में, और हुकूमत भी वही पैगाम देना चाहती है जो हम सब मिलकर के यहाँ बैठे हैं, कि अमन और भाईचारा एकजहती हम बनाए रखें, शांति बनाए रखें, किसी की पर्सनल बातों को हम लोग ना उछालना चाहते, हम लोग नाम भी नहीं लेना चाहते, उनका वो ज़ाती मसला है जो दोनों आदमियों ने किया है, चाहे वो हमारे कौम का हो, चाहे वो गैर के कौम का हो, ठीक है। सर ऐसा लगता है कि पीएफआई के वजह से मुमरा का नाम बदनाम होगा, क्योंकि उसी हम बदनामी को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, और हम ये यहाँ पर झगड़ा लड़ाई के लिए नहीं, सिर्फ अमन का पैगाम देना, हमारा इस्लाम भी यही सिखाता है, हमारे रमजान मुबारक का महीना है अल्हम्दुलिल्लाह, हम इसके अंदर दुआ करेंगे कि हमारा शहर, हमारा मुल्क जो है चैन और शांति की ज़िंदगी गुजारे, सारी आवाम, सारी दुनिया, सारे आलम इस्लाम, सब लोग अमन चारे से रहे, भाईचारे से रहे, यही हमारा पैगाम है, इसके अलावा आखिरी बात एक मिनट में मैं कहना चाहता हूँ कि हम तमाम जमात के उलमा और रहनुमा ये सारे मुमरा वालों को ये पैगाम देना चाहते हैं आप मीडिया के थ्रू कि इश्तियाल फैलाने वाली बात और स्टेटमेंट में कभी ना आए, कभी ना आए, वो पीएफआई हो या किसी दूसरी पार्टी की तरफ से हो, और इश्तियाल फैलाने वाले लोग ये सस्ती शोहरत और नफरत की सियासत करते हैं, वो चाहे मुसलमानों के अंदर हो लोग मौजूद या हमारे नॉन मुस्लिम के यहाँ मौजूद हो, हम इस तरह की हर सियासत को कंडम करते हैं, और हुकूमत से हम पूरी उम्मीद रखते हैं, यहाँ आगाड़ी हुकूमत है हमारी, और बहुत ज़्यादा सुकून के साथ महाराष्ट्र के लोग रहते हैं, हर धर्म और हर कम्युनिटी को लोग रहते हैं, हमें आगे भी ट्रस्ट है, भरोसा है कि जब भी लॉ अंडर का मसला, एंड ऑर्डर का मसला पैदा होगा, प्रशासन उसे देखेगा, कंट्रोल करेगा, हमारी हुकूमत कंट्रोल देखेगी, इसलिए हम जो उनकी जिम्मेदारी है चाहते हैं वो अपनी जिम्मेदारी अदा करें, आवाम इस बीच में कभी ना आए। सर कहीं ना कहीं राजनीति किया जा रहा है, बिल्कुल राजनीति आवाम भी समझती है और आप भी समझते हैं, मीडिया को क्लियर करना चाहिए ईमानदाराना कि राजनीति क्या है। सर क्या लगता है कि हनुमान चालीसा लगाने के लिए मस्जिद के बाहर पुलिस प्रशासन जो है वो परवानगी देगी, क्या लगता है आपको? नहीं परवानगी देगी, हमें भरोसा है जिससे लॉ एंड ऑर्डर का मसला होगा, हमारा पुलिस पर भरोसा है, वो कभी परवानगी नहीं देगी।